students and warm welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, this is your SS teacher and today we are continue our chapter number 5 geography. This is our lecture number 25. The name of this chapter is industry. Now let's start our chapter. Dear student, first of all I repeat my previous lecture about some facts. In my previous lecture we already discussed about the iron and steel industry. In my previous lecture we discussed about the major industries of the world. First major industry is iron and steel industry, and second is textile or cotton, cotton textile industry, और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी आप इसको कह सकते हो. आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एंड थर्ड इज आईटी इंडस्ट्री. द फुल फॉर्म इज आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट वन मेजर इंडस्ट्री, अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. एंड in this lecture we discuss about the cotton textile industry. My dear student, in previous lectures we discuss about the iron and steel, and comparative study ke through humne discuss kiya tha about iron and steel. इसमें हमने मेजर डिस्कस किया था आपका इंडिया का जमशेदपुर, जो जमशेद जी टाटा ने वहाँ पर फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट जो लगाया था वो आपका लगाया था 1907 में, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंट से पहले. ये आपका फर्स्ट इकलौता जमशेदपुर में ही आपका आयरन एंड स्टील प्लांट था. उसके बाद हमने डिस्कस किया पीतूसबर्ग कहाँ पर है हमारा USA के अंदर, वहाँ का आयरन एंड स्टील प्लांट को हमने डिस्कस किया. एंड द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दीज प्लेसेस, कि वाई हमारे जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं यहाँ पर क्यों एस्टेब्लिश किए गए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेसेस. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एज यू नो दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉटन. कॉटन को अगर हिंदी में मैं बोलूँ कपास, इन हरियाणा जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो यहाँ पर भी कॉटन की जो है फार्मिंग की जाती है, लेकिन अब वो मिनिमाइज होती जा रही है धीरे धीरे धीरे. आजकल लोगों के अंदर क्रेज़ आ गया है पैडी क्रॉप्स का, अदरवाइज़ तो आपकी जो कॉटन की क्रॉप्स थी वो भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में उगाई जाती थी. माय डियर स्टूडेंट, अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन से हम यान और यान से फिर क्लॉथिंग की तरफ हम बढ़ते हैं. इसमें इसको हाई आपका जो टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसको एक अच्छी सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि सनलाइट जो होती है उसी के अंदर जो इसके फ्लावर हैं, जो इसके फ्लावर हैं वो खिलते हैं और एक अच्छी उपज हमारी कॉटन की होती है. वेविंग क्लॉथ्स फ्रॉम यान, यान से हम कपड़ा बुनते हैं. वेव कतना, बुनना, इज एन एंशियंट आर्ट. माय डियर स्टूडेंट, अगर हम हरप्पन सभ्यता की भी बात करें जहाँ से हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी वहाँ पर भी हमें कॉटन क्लॉथ्स के अवशेष मिले थे. इज एन एंशियंट आर्ट, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी एंशियंट एंड ओल्डन आर्ट्स. कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. क्लॉथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग कुछ फाइबर्स या कुछ क्लॉथ्स, जो कुछ फाइबर हमारे होते हैं, आपने फाइबर्स के बारे में साइंस में भी डिस्कस किया होगा, ह्यूमन मेड फाइबर्स हैं या आपके नेचुरल फाइबर्स हैं. द रॉ मटेरियल्स कैन बी नेचुरल, जो नेचर से हम रिसीव करते हैं, दैट मीन्स हम फार्मिंग के थ्रू उनको उगा सकते हैं, और मैन मेड नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, अलग अलग है हमारे नेचुरल और मैन मेड, दोनों ही तरीके के फाइबर हो सकते हैं, होते हैं. इवन ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट, ये हैं मैन मेड फाइबर्स.
दीज आर सॉरी एक्चुअली में दीज आर द नेचुरल फाइबर, यहाँ से आपकी जो हेडिंग है वो नीचे आनी थी. आई अंडरलाइन दिस. हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे यहाँ पर. हमने डिस्कस किया कि फाइबर टू टाइप्स के हैं. अब यहाँ पर अगर मैं एक फ्लो चार्ट बना दूँ, फाइबर्स को कैटेगराइज करेंगे हम टू टाइप्स में. फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज ह्यूमन मेड या मैन मेड. अब बात करते हैं फर्स्ट नेचुरल फाइबर्स. दीज आर आवर नेचुरल फाइबर्स, वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट. दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन नेचुरल फाइबर्स. एंड मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नाइलोन. आपने नाइलोन के बारे में सुना ही होगा. नाइलोन है आपका जो है मैन मेड फाइबर. पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयन. अब डिस्कस करते हैं हम जो है मैन मेड. पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, रेयन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. अगर पुरानी इंडस्ट्रीज में हम काउंट करते हैं, बिकॉज जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इट इज़ ऑल्सो अ मेजर इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड की ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में ये इंक्लूडेड है. टिल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कब, जब 18th सेंचुरी में हमारी औद्योगिक क्रांति हुई थी. औद्योगिक क्रांति और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. कॉटन क्लोथ्स वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग, हाथ से चलाने वाले चरखे थे. गांधी जी का सिंबल भी है वो, आपने देखा होगा. टेक्निक जो व्हील यूज होते थे एंड लूम्स, लूम्स बोले जाते हैं खड्डे को, ये इस तरीके की होती हैं जिसमें एक तरफ रेशे को ऐसे खींचा जाता है और दूसरी तरफ से इसको निकाला जाता है. तो ये लूम्स के थ्रू 18th सेंचुरी में. उसके बाद पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन ब्रिटेन एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सबसे पहले स्टार्ट हुई ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ब्रिटेन में, फिर जो वर्ल्ड में अदर पार्ट्स हैं वहाँ पर ये स्टार्ट हुई. अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स आर. अगर इम्पोर्टेंट हम प्रोड्यूसर की बात करें, उत्पादक जो हैं कॉटन के, वो हैं आपके इंडिया, चाइना, जापान एंड द USA. आई थिंक यहाँ तक का आप पोर्शन समझ आ गया होगा. हम डिस्कस कर रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने डिस्कस किया सबसे पहले फाइबर को. अब फाइबर टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड मैन मेड, वो हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो है हमारा मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल एंड दीज आर इंडिया, चाइना, जापान एंड द USA. Now, the muslin of Dhaka. अब हम पुराना जो हमारा टेक्सटाइल है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. मसलिन का जो कपड़ा था ढाका का, उसके बाद चिंज ऑफ मसूलीपत्तनम. मसूलीपत्तनम ना हमारा एक पोर्ट टाउन था, ये हमारा पोर्ट टाउन था मेडिवल टाइम का. मेडिवल टाइम में हमारा एक पोर्ट टाउन था मसूलीपत्तनम या माछलीपत्तनम भी इसको कहा जाता था. एंड कैलिको ऑफ कालीकट. अब कैलिको जो आपका फैब्रिक था वो कहाँ से था, कालीकट. एंड गोल्ड रोट कॉटन ऑफ, ये कहाँ से बिलोंग करता था आपका, बुरहनपुर, ये जगह है इंडिया में बुरहनपुर. फिर सूरत एंड वडोदरा वर नोन वर्ल्ड वाइड फॉर देयर क्वालिटी एंड डिज़ाइन. पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी अपनी क्वालिटी, गुणवत्ता के लिए. इनका जो कपड़ा था बहुत ही अच्छा, बेस्ट क्वालिटी का होता था और जो डिज़ाइन जो होते थे, मुझे अभी भी माइंड में मेरे हैं जो मसूलीपत्तनम या माछलीपत्तनम में जो कपड़े का डिज़ाइन था
वो फैबुलस था, इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की जाती थी आपके कपड़े के ऊपर, एंड डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग दीज वॉज टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव. जब ये लोग इन पर डिज़ाइन करते थे उस टाइम पर इनका बहुत ज़्यादा जो टाइम है इसी पर स्पेंड होता था. दैट्स वाई ये टाइम कंज्यूमिंग थे. एंड ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज अनेबल टू फेस द कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल. लेकिन अगर हम बात करें परंपरागत जो हमारे ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो उनके लिए टफ था, बहुत मुश्किल था, अनेबल टू फेस द कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम न्यू टेक्सटाइल. क्योंकि बाद में नई नई जो है टेक्सटाइल जो है हमारे पास इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई थी क्वालिटी फैब्रिक थ्रू मशीनाइज्ड. अब पहले हैंडमेड फैब्रिक था, हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी, अब वो कन्वर्ट हो गई मशीनाइज्ड थिंग्स के अंदर. दैट मीन्स मशीनों के थ्रू वो प्रिपेयर की जाने लगी. मशीनाइज टेक्सटाइल मील वॉज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854 में सबसे पहले मुंबई में जो है एक मिल एस्टेब्लिश हुई जहाँ पर मशीनों के थ्रू कपड़ा तैयार किया गया. वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट अपार्ट फॉर इम्प्रूविंग मशीनरी. माई डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट अब इनको चाहिए था. अब सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ मुंबई में 1854. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट. आफ्टर दैट इसे गर्म मॉइस्ट नमी वाला क्लाइमेट चाहिए. अ पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी. पास में कोई पोर्ट हो, मुंबई के पास पोर्ट भी अवेलेबल था. मुंबई का जो क्लाइमेट है वो भी कैसे टाइप का क्लाइमेट है, वार्म और मॉइस्ट टाइप का, क्योंकि वहाँ पर समुद्री रेखाएं लगती हैं, ओशंस की जो रेखाएं हैं वो लगती, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ अवेलेबल हो. महाराष्ट्र में अच्छा खासा आपका जो है कॉटन की खेती की जाती थी. एंड स्किल्ड लेबर, दैट मीन्स निपुण, अपने काम में निपुण लेबर उन्हें चाहिए जो कि परफेक्टली काम करते हों. लेड टू रैपिड एक्सपेंशंस ऑफ द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से जिन्होंने रास्ता खोला बहुत ज़्यादा इसका, ये उद्योग फला फुला, एक्सपेंशन दैट मीन्स काफ़ी दूर हिस्से में पूरा फैला ऑफ द इंडस्ट्री. इन द रीजन इंडस्ट्री फ्लूरिस्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. इनिशियली सबसे पहले इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात में इनिशियली शुरुआत में स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूम्ड. रीज़न क्या था, क्लाइमेट कैसा था, इनके फेवर में था, ह्यूम्ड क्लाइमेट था. बट टुडे, अब ह्यूम्ड क्लाइमेट था तो वहाँ पर फला फुला, यहाँ पर ख़त्म. लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो अब ह्यूमिडिटी को क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियली. अदर इम्पोर्टेंट्स आर्टिफिशियली भी इसको क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जिसके वजह से जिन एरियाओं पर इस टाइप का क्लाइमेट नहीं था वो इस क्लाइमेट को क्रिएट कर लेते थे आर्टिफिशियली बिकॉज दे वांट टू एस्टेब्लिश वेयर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स आर, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे इम्पोर्टेंट अदर सेंटर्स में इंक्लूड है हमारा कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, उसके बाद पुदुचेरी एंड पानीपत. पानीपत तो अभी भी फेमस है, आप सब जानते हो. लुधियाना ऑल्सो, ये सारे प्लेस इंडिया में आज भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं. अब हम जो कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी हम पर्टिकुलरली मेन प्लेस की करेंगे जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है. इसमें प्लेस हमारा रहेगा अहमदाबाद. अहमदाबाद को हम जो है कंपेयर करेंगे जापान के ओसाका से. अब अहमदाबाद जहाँ हमारा फिनिश होगा, दिस इज़ द अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल. उसके बाद हम ओसाका को, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू शो यू द पिक्चर ऑफ
टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ अहमदाबाद, बहुत बड़ा प्लांट है जहाँ पर फैब्रिक और क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं. नाउ लेट स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग. अहमदाबाद कहाँ पर है? लोकेट इन गुजरात. अब गुजरात का नेम हमने पढ़ा था, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद सेकंड था गुजरात. गुजरात में जो जगह थी जो फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए वो है अहमदाबाद. ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती, साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है. फर्स्ट मिल एस्टेब्लिश, पहली यहाँ पर जो मिल एस्टेब्लिश हुई, स्थापना उसकी 1859 में हुई थी. इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं गुजरात, गुजरात में प्लेस अहमदाबाद, अहमदाबाद लोकेटेड है साबरमती रिवर पर. फर्स्ट जो मिल एस्टेब्लिश हुई थी 1859. सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, अगर इंडिया में बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है फॉलोइंग मुंबई, मुंबई के बाद, क्योंकि वहाँ पहले स्टार्ट हुआ था. रेफर टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, क्योंकि ये एक ऐसे एरिया पर सिचुएटेड है जिसके सराउंडिंग में कॉटन की क्रॉप उगाई जाती है. ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, आइडियल क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग, इसका क्लाइमेट भी बहुत फेवरेबल है स्पिनिंग के लिए भी और वेविंग के लिए भी. फ्लैट टेरेन लैंड है, दैट मीन्स फ्लैट लैंड अवेलेबल है, एंड ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड मेक्स इट सूटेबल एस्टेब्लिशमेंट फॉर द मिल्स. प्रोवाइड बोथ, इसके अलावा फीचर्स क्या है यहाँ पर, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों तरह के लेबर अवेलेबल है. वेल डेवलप्ड रोड, अच्छे से विकसित रोड एंड रेलवे नेटवर्क. Permits easy transportation of textile to different part of our country. My dear student, हमने important पढ़ा पहले साबरमती river के किनारे, second 1859 में establishment, Manchester of India. Question भी आपका आता है other competitive exams की, जहाँ मैं बात करती हूँ वहाँ पर इसमें से question आते हैं. Parts of the country also provide. यहाँ पर अब other part जो country के हमारे, वहाँ पर भी ये जो है cotton textile provide कराता है. Easy access to the market, आसानी से market available है. Mumbai port, मुंबई का जो port है इसके nearby है, इसके पास में है, जो इसको facilitates import of machinery and export of cotton textile. जो बाहर से बड़ी मशीनों को लाने में हेल्पफुल है, न्यू टेक्निकल मशीन अगर इनको इंपोर्ट करनी है और एक्सपोर्ट करना है कॉटन टेक्सटाइल. इश्यूज इन अहमदाबाद टेक्स मिल, अभी तक हमने यहाँ पर जो है क्वालिटी थी हमारी अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल की, उसको डिस्कस किया. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, टाइम के साथ हर चीज़, जब कोई चीज़ अपने पीक पर पहुंचती है तो धीरे धीरे वो अपने डाउनफॉल की तरफ भी आती है. तो यहाँ पर भी कुछ इश्यूज रहे, वो इश्यू डिस्कस करते हैं अहमदाबाद टेक्स मिल के. सेवरल टेक्सटाइल मिल क्लोज डाउन ड्यू टू द एमरजेंस, बहुत सारी जो अहमदाबाद की जो मिल थी, टेक्सटाइल मिल थी, वो बंद हो गई ड्यू टू द एमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर. क्योंकि अब इंडिया में नए नए पॉइंट, न्यू जो हब और सेंटर थे वो हमारे सामने उभर कर आए और उन्होंने वहाँ पर जो है फैब्रिक बनाना शुरू किया इन द कंट्री. एज वेल एज इसके साथ साथ जो वीकेस्ट पॉइंट था वो था नॉन अपग्रेडेशन, दैट मीन्स टाइम टू टाइम मशीनों को रिप्लेस नहीं किया गया, एंड टेक्नोलॉजी इन द मिल ऑफ अहमदाबाद. दैट्स वाई इस मिल में जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ. नाउ आई अगेन शो द मिल पिक्चर ऑफ अहमदाबाद, एंड नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम ओसाका. अब हम स्टार्ट करेंगे ओसाका. ओसाका एक मेजर प्लेस है जापान का, एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान.
ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका आर लिस्टेड बिलो. कुछ फैक्टर ऐसे उत्तरदायी रहे जिसकी वजह से जो है ओसाका का टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो विकसित हुई और बहुत ज़्यादा उसने डेवलपमेंट की. देयर आर मैनी फैक्टर्स. वन सच फैक्टर्स एक्सटेंसिव प्लेन, बड़ी मात्रा में प्लेन ज़मीन का अवेलेबल होना अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वॉज ईजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मील. हमने आई थिंक, मुझे लर्न याद है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे माइंड में अगर इंडस्ट्री लगाने की बात आई है तो सबसे बेसिक चीज़ हमें चाहिएगी लैंड. और अगर लैंड अवेलेबल है तभी हमारे माइंड में जो है आगे की प्रोसेसिंग चलेगी. तो लैंड ओसाका में भरपूर मात्रा में अवेलेबल. सेकेंड, वार्म ह्यूम्ड क्लाइमेट, जो कि मस्ट है. हमें कॉटन टेक्सटाइल के लिए क्या चाहिए? सबसे मेन अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं तो हमें ह्यूम्ड क्लाइमेट चाहिए. और ह्यूम्ड क्लाइमेट जहां होगा वो एक अच्छी फेवरेबल प्लेस होगी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. वार्म ह्यूम्ड क्लाइमेट इज़ अ वेल साइटेड टू स्पिनिंग एंड वेविंग, वेव करने के लिए भी और स्पिन कताई. अब स्पिनिंग से तो यार्न बन जाएगा और उसके बाद वेविंग से क्लोथ तैयार हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर है रिवर युधो. युधो प्रोवाइड सफिशेंट वाटर फॉर द मिल. जो युधो है वो इसको भरपूर मात्रा में पानी देती है इंडस्ट्री को. उसके बाद नेक्स्ट, लेबर इज इजीली अवेलेबल. वहाँ पर लेबर अवेलेबल है. लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज़, यहाँ पर पास में पोर्ट है जिसकी हेल्प से इम्पोर्ट ऑफ रॉ कॉटन, कच्ची कॉटन को लाया जा सकता है एंड एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स, और यहीं से तैयार कपड़े को बेचा जा सकता है. नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिस टेक्सटाइल मिल. दिस इज़ इन ओसाका. आई थिंक आई राइट हियर, दिस इज़ द ओसाका टेक्सटाइल या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ये आपकी ओसाका की. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका. अब हम इसको डिस्कस करते हैं फर्दर. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका, जो ओसाका की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल. हमारे यहाँ तो सराउंडिंग में हमने बात की थी, अहमदाबाद के नियर अबाउट रॉ कॉटन उगाई जाती थी, इजीली अवेलेबल थी. बट ये लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं बाहर से. और कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं? वो प्लेसेस हैं आपकी इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड द यूएसए. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. ओसाका की जो टेक्सटाइल मिल है, उस टेक्सटाइल मिल के लिए रॉ कॉटन जो है इम्पोर्ट की जाती है इजिप्ट, इंडिया, चाइना एंड यूएसए से. द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज़ मोस्टली एक्सपोर्टेड. अब बाहर से लाए रॉ मटेरियल, प्रोसेस की, फिर एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन को, कॉटन क्लोथ. फिनिश प्रोडक्ट मोस्टली एक्सपोर्टेड एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी. जापान के लोग जो प्रिपेयर करते हैं कॉटन क्लोथ्स, वो वर्ल्ड का बेस्ट कॉटन क्लोथ होता है. तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. क्वालिटी हाई है तो डिमांड भी हाई है. एंड लो प्राइस, सस्ते दाम पर बेचते हैं. दोनों फेवरेबल थिंग्स हैं इसके लिए. इसके अगर हम बात करें मार्केटिंग को इनक्रीज करने के लिए, डिस्पाइट इट बीइंग एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी इन द कंट्री. देखो, फिर भी अगर ओसाका की बात करते हैं तो जापान में एक इम्पोर्टेंट प्लेस वो रखती है. बाहर से रॉ कॉटन को क्या करती है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर देती है फिनिश्ड प्रोडक्ट को.
The cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries. जैसे हमने अहमदाबाद के बारे में डिस्कस किया था, अहमदाबाद की हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल मिल है टाइम के साथ उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है. वैसे भी कोई चीज़ पीक पे जाती है तो नीचे आना उसका संभव तो है. अगर मैं कहूँ ये एक नेचुरल प्रोसेस भी आप कह सकते हो. सच एज आयरन एंड स्टील मशीनरी, उसके बाद शिप बिल्डिंग, नई नई वहाँ पर इंडस्ट्री उभर कर सामने आ गई है. बड़ी मशीनों की स्टील है, शिप बिल्डिंग है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट इंडस्ट्री यहाँ पर अब एस्टेब्लिश हो चुकी हैं ओसाका में. नाउ सी दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका. ओसाका की बात करें तो ये वाली पिक्चर ना हमेशा माइंड में आनी चाहिए. इम्पोर्टेंट आपका प्लेस है. अगर जापान की बात करें तो ओसाका में यहाँ जाना चाहिए, सबसे अच्छी विजिटिंग प्लेस यही है. ओसाका इज़ एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान, ऑल्सो नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान. भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद. इसके साथ साथ कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर रिवर आपकी यूदो है. अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो वो आपको वहीं से कंपेयर करना है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका डेवलप ड्यू टू द सेवरल ज्योग्राफिकल फैक्टर. अब भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिस तरह से अहमदाबाद इट डेवलप ड्यू टू द लोकेशनल फैक्टर, उसी तरह जैसे अहमदाबाद का अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो बेस्ट क्लाइमेट है किसके लिए, आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, सेम एज ओसाका का जो क्लाइमेट है. क्योंकि जापान की एक पोजीशन ऐसी है कि चारों तरफ ओशन से घिरा हुआ है जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. आई थिंक आपको यहाँ तक लेक्चर अच्छा भी लगा होगा और समझ आ गया होगा. तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच.